अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिंक टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11, चैप्टर नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर रिव्यू एक्सरसाइज 1 है आपके पास, और इसका लास्ट क्वेश्चन आज हमने करना है, जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी आपको 5 पार्ट्स यहाँ दिए गए हैं और आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करके। ठीक है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 1 में डीपली एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे तो हम ये एक्सरसाइज में अच्छी तरह से कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है इसको देखते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास ये क्वेश्चन फिर से आ गया, रिपीट हुए, तो अब देख लें इसको। देखिए, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसका पार्ट 1 है जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आपने क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की हाइएस्ट पावर क्या है, 2 है। ठीक है, वेरिएबल की हाइएस्ट पावर 1 होगी तो वो लीनियर होगी। ठीक है, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो क्या होगी आपके पास, क्वाड्रेटिक होगी। तो यहां देखें, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा गया है। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे पहला काम आपने करना होता है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लें। जेड स्क्वेयर माइनस 5z प्लस 7 इक्वल है 0 के। ठीक है, ये काम कर लिया आपने। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है ना, तो आपको कुछ स्टेप्स याद करने होंगे। बस बहुत आसान मेथड है, आपने स्टेप्स क्या याद करने हैं। फर्स्ट स्टेप ये होता है, आप देखें, पहला स्टेप ये है आपके पास यहाँ पर जेड स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपके पास यहाँ पर देखिए 1 नहीं मौजूद है, तो पहला स्टेप हो गया। ठीक है, आपके पास यहाँ पर स्टेप्स लिख दिया मैंने, और आपके पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है कि जेड स्क्वेयर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आप देखें, सेकंड स्टेप होता है कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करना होता है कहां पर, राइट हैंड साइड पे। कांस्टेंट टर्म वो वाली टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, तो यहां पर 7 है, तो आप यहां पर लिखें जेड स्क्वेयर माइनस 5z इक्वल है प्लस 7 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 7। तो आपने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जो कि था आपके पास कांस्टेंट टर्म वाला, सही। अच्छा, अब थर्ड स्टेप आपके पास होता है फॉर्मूला। यहां आप लिखेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला जो है कुछ भी, डैश यहां लगा रही हूं, और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है हाफ से और उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपके पास, डैश मैं बताती हूं मैंने क्यों लगाई। यहां पर जो x का कोएफिशिएंट है ना, वो माइनस 5 है। x का कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपने याद रखना है कि x का कोएफिशिएंट यहां पे कुछ भी हो सकता है। आपने क्या करना है, उस x के कोएफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर ले लेना है। तो इस वक्त x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 5, तो मैंने यहां माइनस 5 लिखा। ठीक है, अब आप यहां पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करें तो क्या होगा, माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो कटिंग तो नहीं हो रही और स्क्वायर को आप बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं। 5 वन्स आर माइनस 5 अपॉन 2, तो ये आपके पास स्क्वायर आ गया। तो अब इस टर्म को, ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है कि ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है, ऐड किसे करना है, जो आपके पास यहां से आंसर आया होगा। तो अब हम फोर्थ स्टेप करने वाले हैं। थर्ड कर लिया, थर्ड फार्मूला था जो हमने लगा लिया साइड पे, रफ वर्क में वो करना होता है, सही। अब फोर्थ स्टेप जो आपने अपनी शीट पे करना है, या आप जो आपका पेपर है उस पे अटेम्प्ट करना है, वो फोर्थ स्टेप करना है, वो है ऐड करना है आपके पास जो इधर से आंसर आया माइनस 5 अपॉन 2। तो आप यहां लिखेंगे एडिंग, ठीक है, ये फोर्थ स्टेप हो गया, माइनस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आप दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो किस तरह से ऐड करेंगे देखें, यहां पर आपके पास जेड स्क्वेयर है, माइनस 5z है, और ऐड क्या करना है, माइनस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वेयर, सही। और इस तरफ माइनस 7 है, और आपने ऐड क्या करना है, माइनस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वेयर, ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है यहां पर, कि आपने, आपके पास यहां पर कोई फार्मूला बन रहा होता है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिफ्थ स्टेप क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ठीक है, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, कोई फार्मूला आपके पास बन रहा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मैं दोनों फार्मूलाज यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, एक फार्मूला आपके पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के, और एक आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ठीक हो गया, अब आप ये फार्मूलाज यहाँ पर लिखें, चेक करें यहाँ पर माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किस में आ रहा है, ये माइनस है ये प्लस है, इसका मतलब ये सेकेंड वाला फार्मूला बन रहा है यहाँ पर, और ये आपके पास स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप है। देखें जेड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, फिर माइनस, फिर फार्मूले में क्या है टू है और फिर ए भी है, तो ए आपको पता चल गया यहाँ से जेड है लेकिन बी नहीं पता। ठीक है, बी के लिए मैंने इस तरह से लगा दी, ए स्क्वायर माइनस टू भी प्लस बी स्क्वायर प्लस, और ये देखें बी स्क्वायर आपको गिवन है, तो माइनस फाइव अपॉन टू का होल स्क्वायर इक्वल है माइनस सेवन प्लस माइनस फाइव अपॉन टू का होल स्क्वायर। ठीक है, और बी आपके पास क्या था, माइनस फाइव अपॉन टू। अब आप देखें ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, और यहां से इस तरह से आपने कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपने यहाँ पे क्या करना होगा, फार्मूला को क्लोज करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो a आपके पास z है, b आपके पास 5 अपॉन 2 है, तो माइनस फार्मूले का a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल है माइनस सेवन प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस के ऊपर जो स्क्वायर था वो माइनस खत्म हो गया क्योंकि पावर इवन है। अब आप क्या करेंगे, इस तरफ एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल है माइनस सेवन, तो सेवन फोर आर ट्वेंटी एट, तो माइनस का ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर। ठीक है, आपने एलसीएम ले लिया इस तरफ। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, टेकिंग बोथ साइड, आपके पास यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या होगा, या आप यहाँ पर पहले लिख लें इसका माइनस ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी फाइव आपके पास माइनस थ्री अपॉन फोर हो जाएगा इक्वल्स टू जेड माइनस फाइव अपॉन टू का होल स्क्वायर। यहां तक तो ये हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको z की वैल्यू चाहिए और ऊपर स्क्वायर है, तो आपको z के ऊपर से स्क्वायर हटाना है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो आप किस तरह से लेंगे, यहाँ पर z माइनस फाइव अपॉन टू का होल स्क्वायर है, आपने यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लिया, और माइनस थ्री अपॉन फोर है। ठीक है, आपने यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लिया, और यहाँ पर प्लस माइनस साइन लगाए, क्यों, क्योंकि जब हम कॉन्स्टेंट टर्म का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस साइन आता है, आपने याद रखना है। ठीक है, प्लस माइनस साइन लगाया, अब स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, तो आपके पास हो गया z माइनस फाइव अपॉन टू इक्वल है प्लस माइनस, देखें अंडर रूट, अब अंडर रूट में माइनस साइन आ गया तो हम क्या करेंगे, मैं सिर्फ थ्री अपॉन फोर लिख रही हूं और उसको मल्टीप्लाई करवा रही हूं, देखिये माइनस साइन से माइनस वन से, ऐसा ही है ना, यानी अगर माइनस वन इससे मल्टीप्लाई हो तो वापिस वही हो रहा है ना माइनस अंडर रूट थ्री। अब देखिए आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस वन के। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूं इस तरह से, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, तो आयोटा आपके पास माइनस वन के स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपके पास इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, आयोटा। ठीक है, अंडर रूट माइनस वन की जगह, तो यहां पर जेड माइनस फाइव अपॉन टू इक्वल है प्लस माइनस, देखें अंडर रूट थ्री ऐसे ही, इसकी जगह आपने आयोटा लिख दिया अपॉन फोर स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा तो टू, क्योंकि टू टू सार फोर होता है। आपके पास ये किस तरह से हुआ कि फोर है स्क्वायर रूट के अंदर, तो आपको पता है टू का स्क्वायर क्या होता है फोर, तो स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, तो आपके पास जस्ट यहां से टू आ गया। ठीक है, लेकिन अभी भी आपके पास जेड की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई है, तो आपने जेड की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है, जो माइनस फाइव अपॉन टू है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो यहां पर माइनस है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, प्लस का फाइव अपॉन टू, और प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, ये हो गया। ठीक है, और यहां तक ही आप आंसर कर सकते हैं, या फिर आपकी बुक के एंड पे जो है इस तरह से भी दिया हुआ है कि फाइव प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा अपॉन, दोनों के नीचे टू था तो आपने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो ये आपके पास यहां पर जेड की वैल्यू आ गई, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है।
आप इसको इस तरह से ओपन करके भी लिख सकते हैं, मतलब z इक्वल है 5 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और z इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, यहां तक ही लिख लें। ठीक है, तो यहां पे आपके पास पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का अब करते हैं पार्ट टू देख लें। यहाँ पर क्या है, 2z² माइनस 6z प्लस 9 इक्वल है 0 के, और आपने इसका सोल्यूशन करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड। तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या है, 2z² माइनस 6z प्लस 9 इक्वल है 0 के। अच्छा, आपने कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड यूज करना है, आपको स्टेप्स याद होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है आपके पास कि z² का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप देखिए जरा, z² का कोएफिशिएंट तो 2 है, तो आप इसको 1 करेंगे। तो किस तरह से, कि आपने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है ताकि z² का कोएफिशिएंट क्या हो जाए, 1 हो जाए। डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ आपने 2 से डिवाइड करना है। इससे क्या होगा, 2 से आप डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो 2z² अपॉन 2 माइनस 6z अपॉन 2 प्लस 9 अपॉन 2 इक्वल है 0 अपॉन 2। ये 2 इज 2 से कैंसिल, और जो आपका पहला स्टेप था कि z² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो हो गया। ठीक है, बाकी लिख दें जिस तरह से आ रहा है, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, तो माइनस 3z प्लस 9 अपॉन 2 इक्वल है 0, किसी भी नंबर से डिवाइड हो तो आंसर 0 ही आता है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब सेकंड स्टेप आपने याद रखना है कि आपके पास सेकंड स्टेप क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको शिफ्ट करना होता है राइट साइड पे। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म वाला जो है आपके पास सेकंड स्टेप है, तो 9 अपॉन 2 को शिफ्ट कर दें। ठीक है, z² माइनस 3z इक्वल आएगा, प्लस का 9 अपॉन 2 है तो दूसरी तरफ जाएगा, तो माइनस का 9 अपॉन 2। ठीक है, सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप आपके पास होता है फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या होता है कि z का जो कोएफिशिएंट है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, यहां मैं डैश भी तरह से लगा रही हूं, कुछ भी हो सकता है, उसको मल्टीप्लाई करना है हाफ से, और उसका आपने ले लेना है स्क्वेयर। ठीक है, ये फार्मूला लगाना है आपने। तो आप रफ में आप ऐसा काम कर भी लें कि जेड का कोएफिशिएंट क्या है, यहां पर 3 है, उसको मल्टीप्लाई किया हाफ से और आपने ले लिया स्क्वेयर। ठीक है, इस तरह से स्क्वेयर ले लिया। तो अब आप यहां पर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा आपके पास, 3 1s are 3 और अपॉन 2 का होल स्क्वेयर। ठीक है, और फोर्थ स्टेप आप करें, थर्ड स्टेप कंप्लीट के फॉर्मूला लगाया और सॉल्व किया, फोर्थ स्टेप की जो आपके पास आंसर आया है, ठीक है, आंसर आया है उसको क्या करना है, एड करना है। जो आंसर आया है उसको इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना है। तो आप लिखें यहां पर, फोर्थ स्टेप है एडिंग, एडिंग क्या माइन, एडिंग आपके पास 3 अपॉन 2 का होल स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ आप 3 अपॉन 2 का होल स्क्वेयर ऐड कराएंगे तो क्या होगा, ये z का स्क्वेयर माइनस 3z और प्लस क्या ऐड करवाना है, 3 अपॉन 2 का होल स्क्वेयर इक्वल है माइनस 9 अपॉन 2 और ऐड क्या करवाना है, 3 अपॉन 2 का होल स्क्वेयर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आप देखें जो आपके पास फिफ्थ स्टेप होता है वो फिर से फॉर्मूला और खुद ही बन रहा होता है, a प्लस बी का होल स्क्वेयर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, और a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आपके पास यहां बन रहा होगा। चेक करें, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, यानी माइनस और प्लस। तो चेक करें यहां माइनस और प्लस किस में, ये प्लस प्लस है और ये माइनस और प्लस है, यानी ये सेकंड वाला फॉर्मूला आपके पास लग रहा है। तो आप यहां पर बना दें पहले वो फॉर्मूला के, ए स्क्वेयर यानी जेड का स्क्वेयर माइनस 2a आपको नहीं पता, b आपको नहीं पता, प्लस b का स्क्वेयर तो गिवन है ना, 3 अपॉन 2 का होल स्क्वेयर इक्वल है माइनस 9 अपॉन 2
प्लस थ्री थ्री जार नाइन, टू टू जार फोर। सही, यहाँ पर स्क्वायर ले लिया आपने। अब ए आपके पास क्या है, जेड है, क्योंकि ए का स्क्वायर था, और बी आपके पास थ्री अपॉन टू है। अब आप देखें, कटिंग करके आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या मिडल टर्म वापस बन रही है। तो टू टू से कट गया और थ्री जेड, तो आ गया माइनस का थ्री जेड। ठीक है, इस तरह से कर लिया आपने। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप देखें, जेड स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर, इसको क्लोज कर दें ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। ए क्या है, जेड, माइनस बी क्या है, थ्री अपॉन टू और इसका होल स्क्वायर, और इक्वल आएगा आपके पास। यहां पर आप एलसीएम ले लें, ठीक है। तो यहां पर देखें, फोर है तो टू को टू से मल्टीप्लाई करें तो फोर आ जाएगा, तो नाइन को भी टू से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, नाइन टू सर आपके पास माइनस एटीन प्लस नाइन अपॉन फोर, आपने एलसीएम ले लिया इस तरफ। अब इनको सॉल्व करें, यहां पर क्या होगा, जेड माइनस थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर इक्वल है माइनस एटीन प्लस नाइन, आपके पास माइनस नाइन अपॉन फोर हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपके पास टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, क्योंकि आपने स्क्वायर को खत्म करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, आप दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो किस तरह से, जेड माइनस थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर है और इसका आपने ले लिया स्क्वायर रूट, इक्वल है माइनस नाइन अपॉन फोर का स्क्वायर रूट। और जब भी कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन आता है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म थी, स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस का साइन आया। अब स्क्वायर रूट में माइनस आ गया है, देखिए इसको तो कट करके यहां लिखे, जेड माइनस थ्री अपॉन टू इक्वल है प्लस माइनस एज इट इज, देखें नाइन अपॉन फोर भी मैं ऐसे ही लिख रही हूं, और इसकी जगह माइनस वन लिख रही हूं। यहां पर देखें, अगर माइनस वन वापस मल्टीप्लाई हो नाइन से तो आपके पास हो रहा है माइनस नाइन। तो यहां तक तो क्लियर है कि मैंने उस माइनस को यहां पर बाय लिख लिया और रूट भी उस पर डाल दिया जैसे था यहां पर। लेकिन आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस वन के, राइट। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लू स्क्वायर को खत्म करने के लिए, तो यहां पर भी लेना पड़ेगा, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, सिर्फ आयोटा बच गया और यहां से माइनस वन का स्क्वायर रूट आ गया। इसका मतलब माइनस वन का स्क्वायर रूट जहां भी हो वहां मैं आयोटा लिख सकती हूँ, ठीक है, इसकी जगह आयोटा लिख दूंगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पर z माइनस थ्री अपॉन टू इक्वल है प्लस माइनस, थ्री थ्री जार नाइन तो स्क्वायर रूट से नाइन बाहर आ गया, टू टू जार फोर, फोर बाहर आ गया, और साथ में आयोटा इसकी जगह, ठीक है। तो अब आपके पास ये हो गया, अब आपके पास z की वैल्यू नहीं आई, तो z को आप, z की वैल्यू निकालने के लिए माइनस थ्री अपॉन टू को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये प्लस का थ्री अपॉन टू हो जाएगा और ये प्लस माइनस थ्री अपॉन टू आयोटा, ठीक है। और अब आपने आंसर किस तरह से लिखना है इसका, z इक्वल है थ्री प्लस माइनस थ्री आयोटा अपॉन टू, और यही आपके पास यहां इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर नाइन का पार्ट थ्री है, फोर जेड स्क्वेयर प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल है जीरो के। सबसे पहला काम आपको पता है सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार नीचे क्या करना है, राइट कर लेना है। तो फोर जेड स्क्वेयर प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल है जीरो के। अच्छा, आपको पता है कि कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड में पहला स्टेप क्या होता है, कि जो जेड स्क्वेयर का कोएफिशिएंट है उसे वन होना चाहिए। तो यहां पर तो जेड स्क्वेयर का कोएफिशिएंट फोर है, तो इसको वन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होगा इसी के कोएफिशिएंट से, यानी फोर से। तो डिवाइडिंग, आप यहां लिखेंगे डिवाइडिंग फोर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, आप फोर को दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके पास जेड स्क्वेयर का कोएफिशिएंट वन हो जाएगा। तो क्या होगा, यहां पर फोर जेड स्क्वेयर अपॉन फोर प्लस ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर इक्वल है जीरो अपॉन फोर, ठीक है। अब आपको पता है यहां पर जब आपने डिवाइड कर लिया, तो किसी भी नंबर से जब फोर जीरो किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो आंसर जीरो ही आता है। यहां पर जेड स्क्वेयर आ गया प्लस ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर एज इट इज इक्वल है जीरो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है क्वाड्रेटिक, सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड का नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है आप उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो जेड स्क्वेयर इक्वल है, यहां पे प्लस ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है आप दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वेयर रूट फाइंड करेंगे,
ठीक है, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आप यहां लिखें टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ आपने क्या किया, स्क्वेयर रूट लिया, तो इससे क्या होगा यहां पर कि z का स्क्वेयर और यहां भी स्क्वेयर रूट लिया इक्वल्स टू -25 अपॉन 4, यहां पर भी स्क्वेयर रूट लिया और प्लस माइनस साइन भी आ गया, क्योंकि जब आप कांस्टेंट टर्म का स्क्वेयर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन आता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब स्क्वेयर ने स्क्वेयर रूट को कैंसिल किया तो आपके पास यहां से z आ गया प्लस माइनस, यहां पे मैं देखें इस माइनस साइन को खत्म करने के लिए क्या करूंगी, 25 अपॉन 4 लिखा, क्योंकि माइनस अंदर हो तो स्क्वेयर रूट नहीं फाइंड कर सकते आप, तो आप इस माइनस साइन को साइड पे इस तरह से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, माइनस साइन इस तरह अंडर स्क्वेयर रूट में ही है ना, तो आपने इसको लिख लिया। अच्छा, अब आप एक फार्मूला याद करें यहाँ पर कि आयोटा स्क्वेयर इक्वल होता है माइनस वन के, अगर मैं इसके दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लूं इस तरह से, ठीक है, तो ये स्क्वेयर ने स्क्वेयर रूट को कैंसिल किया तो आपके पास आयोटा आ जाएगा और वो इक्वल आएगा माइनस वन के स्क्वेयर रूट के, तो इसका मतलब जहां भी माइनस वन का स्क्वेयर रूट है वहां हम आयोटा लिख सकते हैं, ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाता है, सही। अच्छा, ये माइनस वन का स्क्वेयर रूट है तो आप क्या करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 4 है और उसके साथ आयोटा लिख दिया उसकी जगह। अब आपको पता है ये दोनों स्क्वेयर रूट से बाहर आ सकते हैं, किस तरह से, प्लस माइनस अंडर रूट 25 को आप लिख सकते हैं 5 और इसको 2, इन दोनों का स्क्वेयर लें तो देखें 5 5 25 2 2 4, ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट को कैंसिल करेगा तो आपके पास 5 अपॉन 2 प्लस माइनस के साथ यहाँ पे आ जाएंगे और इक्वल्स टू जेड, तो यहाँ पर आपके पास जेड की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस 5 अपॉन 2 आयोटा, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 रिवीजन एक्सरसाइज का पार्ट 4 है, यहाँ पर देखें z स्क्वेयर माइनस 10z प्लस 41 इक्वल है 0 के, तो आपने क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद सॉल्यूशन लिखा, ठीक है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को नीचे राइट कर लें, यहाँ पर z स्क्वेयर माइनस 10z प्लस 41 इक्वल है 0 के। अब अपने स्टेप्स फॉलो करें, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टेप्स लिखवा नहीं रही क्योंकि अभी तक हमने बहुत पार्ट को कर लिया यहाँ पे और एक्सरसाइज में भी आपने इनको सॉल्व किया है, तो अब डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए जेड स्क्वेयर का, तो वो देखें कोएफिशिएंट 1 है। सेकंड स्टेप कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो करें जेड स्क्वेयर माइनस 10z इक्वल है माइनस 41 के, ये हो गया, ठीक है, आपने शिफ्ट कर दिया कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो जेड का कोएफिशिएंट है, यहां पर देखें जेड का कोएफिशिएंट क्या है आपके पास, माइनस 10 है, ठीक है, आपने उसको मल्टीप्लाई करना होता है हाफ से, वो मैं आपको यहाँ करवा देती हूँ, माइनस 10 है तो आप माइनस 10 को मल्टीप्लाई करें किससे, हाफ से, तो माइनस 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 और इसका आपने ले लेना है स्क्वेयर, ये आपके पास थर्ड स्टेप है, तो 2 1 जार 2 2 5 जार 10, देखिए माइनस साइन रहेगा तो माइनस 5 का स्क्वेयर, तो आप क्या कहेंगे कि आपने जो आपके पास फोर्थ स्टेप होता है कि यहां से जो आंसर आता है आपने उसको इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना होता है, तो आप यहां लिखेंगे एडिंग माइनस 5 का होल स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ आप माइनस 5 का होल स्क्वेयर ऐड करेंगे, तो इससे क्या होगा आपके पास जेड स्क्वेयर माइनस 10z और ऐड क्या करना है माइनस 5 का होल स्क्वेयर इक्वल है माइनस 41 प्लस माइनस 5 का होल स्क्वेयर, ठीक है, इस तरह से आपने दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब उसके बाद देखें आपके पास यहां पर कोई फार्मूला बन रहा होगा, या तो a प्लस बी का या फिर a माइनस बी का होल स्क्वेयर का, a प्लस बी का होल स्क्वेयर इक्वल होता है a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर के, और ये आपके पास ए इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर के, ठीक है। अब आप चेक करें कि इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यहां लग रहा है, तो आपके पास यहां लग रहा है माइनस है और प्लस साइन है, तो माइनस और प्लस साइन यानी सेकंड नंबर वाला फार्मूला, तो ए स्क्वेयर आप इसको यही वाला फार्मूला बनाएं ए स्क्वेयर माइनस 2ab, तो माइनस 2 ए आपको नहीं पता बी नहीं पता प्लस ये तो गिवन है बी का स्क्वेयर यानी माइनस 5 का स्क्वेयर इक्वल है माइनस 41 प्लस माइनस 5 का स्क्वेयर, ठीक है, यहां पर ए जेड है और बी आपके पास क्या है 5 है, ठीक है,
अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज करना है, इसके माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर को ए माइनस बी के होल स्क्वेयर में और इक्वल्स टू माइनस 41 प्लस 25, 5 5 25 और माइनस साइन खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर पावर इवन है, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, यहाँ पर z माइनस 5 का होल स्क्वेयर है तो सिंपल आपने यहाँ स्क्वेयर रूट लेना है, ठीक है। स्क्वेयर रूट क्यों लेना है, क्योंकि आपको z स्क्वेयर की वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि आपको किसकी वैल्यू चाहिए, z की, ठीक है। तो आपने यहाँ पर स्क्वेयर रूट लेना है, तो आप यहाँ स्क्वेयर रूट ले लें पहले, तो इनको सॉल्व करें तो आपके पास माइनस का 16 और यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिखें, अब आप स्क्वेयर रूट लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, इससे आगे यहाँ देखें क्या करना है आपने, देखें यहाँ ही करवा देती हूँ मैं आपको। यहाँ तक हो गया ना, जेड माइनस फाइव का होल स्क्वेयर आपके पास किसके इक्वल है, ओके जेड माइनस फाइव का होल स्क्वेयर इक्वल है माइनस 16 के, और आपने क्या करना है, यहाँ से जेड की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ लिखेंगे जेड माइनस फाइव का होल स्क्वेयर इक्वल है माइनस 16। अब आप एक लाइन लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ आप क्या करेंगे, स्क्वेयर रूट लेंगे, इससे क्या होगा, z माइनस फाइव का होल स्क्वेयर इक्वल है माइनस 16, स्क्वेयर रूट लिया आपने, ठीक है। स्क्वेयर ने स्क्वेयर रूट को कैंसिल कर दिया, आपके पास यहाँ से z माइनस फाइव आ गया, यहाँ से देखिए 16, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई माइनस वन आप लिख सकते हैं, ठीक है, वापस वही आएगा माइनस वन का स्क्वेयर रूट। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वेयर इक्वल होता है माइनस वन के, और आयोटा इक्वल हो जाएगा माइनस वन के, अंडर रूट माइनस वन के, क्योंकि जब दोनों तरफ स्क्वेयर लेंगे तो जहां पर माइनस वन का स्क्वेयर रूट है वहां पर आप सिर्फ आयोटा लिख दें, इक्वल है 16 अंडर रूट में है और यहां पर आप आयोटा लिख दें माइनस वन की जगह, सही। अब जेड माइनस फाइव इक्वल है 4 4 16, तो यहां से 4 आ जाएगा और आयोटा। अच्छा, जब आपने कांस्टेंट टर्म का यहां से स्क्वेयर रूट लिया था ना, तो प्लस माइनस साइन आप लगाना मत भूलिएगा, यहां पर प्लस माइनस साइन भी आएगा, ठीक है। अब आपके पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, कि z माइनस फाइव इक्वल है प्लस माइनस 4 आयोटा के। अब माइनस 5 को इस तरफ शिफ्ट करें तो z इक्वल आएगा 5 प्लस माइनस 4 आयोटा के, और यहां पर यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। से आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था और उसके बाद आपने यहां से इसको आगे कर दिया, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट है, जो कि पार्ट 5 है, 4z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 इक्वल है 0 के। आपने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। सबसे पहले आप लिखें यहां पर सॉल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद आप एक बार क्वेश्चन को नीचे राइट कर लें। क्वेश्चन आपके पास क्या है, 4z स्क्वेयर प्लस 4z प्लस 5 इक्वल है 0 के, ठीक है, यहां तक कर लिया आपने। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपने करना है कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड का, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि z स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो 4 है, तो आपने इसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होगा डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड्स को 4 से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ओके। अब आप 4z स्क्वेयर है आपके पास और अपॉन 4 लिख दें, प्लस 4z है अपॉन 4 लिख दें, प्लस 5 है अपॉन 4 लिख दें, इक्वल टू 0 है अपॉन 4 लिख दें, दोनों तरफ 4 को डिवाइड कर दिया, अभी 4 से कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा, z स्क्वेयर प्लस 4z अपॉन 4, सॉरी यहां से भी 4 से कैंसिल होगा, प्लस 5 अपॉन 4 इक्वल आ जाएगा 0 के, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो तो आंसर 0 ही आता है। तो आपके पास z स्क्वेयर प्लस z प्लस 5 अपॉन 4 इक्वल आ जाएगा 0 के, ठीक है, यहां तक आपके पास क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप होता है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना, तो आप शिफ्ट कर दें, z स्क्वेयर प्लस z इक्वल है माइनस 5 अपॉन 4, क्योंकि यहां प्लस 5 अपॉन 4 था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर अब आपके पास फॉर्मूला लगेगा, ठीक है,
फॉर्मूला यहाँ पर साइड पे मैं आपको पहले लगवा देती हूँ, आंसर ले आते हैं हम उसका। जेड का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर देखिए, जेड का कोएफिशिएंट क्या है, वन है। तो जेड का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है और इसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। जेड का कोएफिशिएंट क्या है, वन है, इसको मल्टीप्लाई किया वन अपॉन टू से और इसका आपने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो अब वन वन जार वन अपॉन टू और इस होल का स्क्वायर, यहां से ये आंसर आ गया। तो जो आंसर आता है ना इस फॉर्मूले का, उसको आपने इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना होता है। तो आप यहां लिखेंगे कि एडिंग, ठीक है, किसको ऐड करना है, वन अपॉन टू का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आप दोनों तरफ वन अपॉन टू का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, इससे ये होगा आपके पास कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर इक्वल है माइनस फाइव अपॉन फोर प्लस वन, सॉरी अब इसको मुझे इस तरह ही लिखना होगा, ठीक है, वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस लिखने की नीड नहीं है लेकिन अब मैंने लिख दिया, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखूंगी। तो अब आप देखिए जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर आ गया और यहां पर आपके पास माइनस फाइव अपॉन फोर प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर है। अब आपके पास यहां जरूर कोई फार्मूला बन रहा होगा, किन दो फार्मूलाज में से बन रहा होगा आपने चेक करना है। एक फार्मूला तो आपके पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और यहाँ आएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इस तरह कर दिया आपने। अब आप यहाँ पर चेक करें, दोनों प्लस साइन है इसका मतलब ये पहला वाला फार्मूला लग रहा है, प्लस साइन वाला, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस एक प्लस है। तो आप इसको वही फार्मूला बनाएं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी टू ए आपके पास क्या है, जेड है, बी आपको अभी नहीं पता, प्लस बी का स्क्वायर यानी वन अपॉन टू का स्क्वायर, तो बी आपके पास वन अपॉन टू है, ठीक है, इक्वल है माइनस फाइव अपॉन फोर प्लस वन का स्क्वायर, वन अपॉन टू का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, फोर। अब यहां पर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज कर दें, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फाइव प्लस वन अपॉन फोर, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब आपके पास माइनस फाइव प्लस वन देखें क्या होगा, जेड प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर है इक्वल है माइनस फाइव प्लस वन माइनस फोर अपॉन फोर, ठीक है, फोर फोर से कट गया, तो यहाँ पे माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन था, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जेड प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर इक्वल है माइनस वन के। अब आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास जेड प्लस वन अपॉन टू हुआ और यहाँ प्लस माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म का स्क्वायर रूट लिया है, तो इक्वल्स टू प्लस माइनस। देखिए मैंने आपको अब तक तो बताया, फिर एक बार आप देख लें कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस वन के अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूं इस तरह से, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा आपके पास माइनस वन के स्क्वायर रूट के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर माइनस वन का स्क्वायर रूट आपके पास आयोटा के इक्वल है, ठीक है। अब आपके पास जेड की वैल्यू अभी भी नहीं आई, तो आप इस वन अपॉन टू को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो जेड आपके पास इक्वल आएगा, यहाँ पर ये प्लस वन अपॉन टू है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस वन अपॉन टू और प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, तो माइनस वन अपॉन टू प्लस माइनस आयोटा यहाँ पर भी एंड कर सकते हैं, लेकिन बुक के एंड पे आपके पास यहाँ एलसीएम लिया गया है, तो आप क्या करेंगे, जिस तरह से आंसर दिया गया ना वो इस तरह से आप ऐसे ले आएंगे कि प्लस माइनस टू आयोटा अपॉन दोनों के नीचे टू, एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर जेड की वैल्यू है, आपकी बुक के एंड पे यहाँ तक आंसर इस तरह ही दिया हुआ है, ठीक है। यहां से आपके पास स्टार्ट था क्वेश्चन नंबर फाइव और ये आपके पास इसका ओवरऑल सॉल्यूशन था।